कर जिंदगी को मायूस ना कर, खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस ना कर, मंजिलें चारों तरफ है रास्तों की तलाश कर, रास्तों की तलाश कर। तो कैसे हो आप लोग, आज क्लास टेंथ के फर्स्ट चैप्टर में आप सबका स्वागत है। आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इसके पार्टों में आपको वीडियोस मिलेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, इस वजह से चैप्टर लंबा है तो आपको इसको पार्टों में डिवाइड करके ही आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे रियल नंबर्स की। किसकी बात करेंगे, रियल नंबर्स का नाम है और इसको हिंदी में बोलेंगे अपन वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं जानने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, जो आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था, ठीक है। तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की। सबसे पहले अगर बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। क्या बोलते हैं भाई, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृत संख्याएं क्या होते हैं, जहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं, जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, एक से स्टार्ट होकर के आगे तक, यानी कि अपन बोल सकते हैं इन्फिनिटी की ओर जाने वाली जो जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है, प्राकृत होती है, ठीक है। तो वो संख्याएं जो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी की तरफ। इन्फिनिटी यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट दिया गया है मैथमेटिक्स के द्वारा, ठीक है, जिसको अपन ये मान सकते हैं कि जितना आप सोच सकते हो उससे भी बड़ा, जितना आप सोच सकते हो उससे भी बड़ा क्या है, इन्फिनिटी है, उससे भी बड़ा क्या है, इन्फिनिटी है। समझ में आ गया, तो सबसे बड़ा इन्फिनिटी है, कुल मिला के क्या है, सबसे बड़ा इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से बड़ा कोई भी नहीं है। तो पहली अपन बात करेंगे प्राकृत संख्याओं की। तो प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कोल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। प्राकृत संख्या एक से या शुरू होने वाली जितनी भी संख्याएं आगे तक चलती है वो सारी की सारी क्या होती है, 1, 2, 3। अपन कभी भी जब गिनती स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं। ऐसे थोड़े बोलते हैं 0, 1, 2, ऐसे नहीं बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 जो भी है, ठीक है। यहाँ पे आप 3 डॉट लगा दीजिए, कितने डॉट लगा देना, 3 डॉट। मैथ्स में 3 डॉट का मतलब होता है कि वो आगे तक जा रही है इन्फिनिटी, ठीक है। ज़्यादा हम क्या करते हैं, कभी कभी बहुत सारे 100-200 डॉट लगा देते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना है आपको, 3 डॉट लगा दो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि जैसे ही प्राकृत संख्याओं के बारे में बताया गया, अगर उसके बाद में थोड़ी फिर डिस्कवरी हुई और लोगों ने देखा कि यार अगर मान लो कि किसी कमरे में 5 आदमी है और पांचों के पांचों वहाँ से निकल करके चले गए, ठीक है। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं दी गई कि 1, 2, 3, 4 ये क्या है, प्राकृत संख्याएं। फिर बाद में पता लगा कि यार अगर अपन बात करें कि जैसे मान लो किसी कमरे में 5 आदमी और पांचों के पांचों वहां से चले गए तो कितने बचे, 0। लेकिन 0 तो यहाँ पे है ही नहीं, 0 तो यहाँ पे है ही नहीं। तो उसके लिए क्या किया गया, इसमें 0 ऐड किया गया, क्या किया गया, 0 ऐड किया गया और उसे बोला गया पूर्ण संख्या। क्या बोला गया, होल नंबर्स। क्या बोला गया, होल नंबर्स, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होगी, अब देखो 0 से, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी की तरफ। समझ में आ रहा है मेरे पास, होल नंबर्स। यानी अगर अपन क्या करें, प्राकृत संख्याओं में 0 और रख दें, इस प्राकृत संख्याओं में 0 और रख दिया मैंने, तो ये बन गया आपका पूर्ण संख्याएं। क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं, क्या हो गई भाई, पूर्ण का मतलब कंप्लीट हो गई अब, ठीक है, क्योंकि 0 की कमी थी पहले तो अब 0 भी आ गया है। समझ में आ गया, तो ये हो गई आपकी पूर्ण संख्या। इसके बाद में धीरे धीरे फिर आगे चले, उसके बाद में फिर पता लगा कि यार कि माइनस वाले नंबर तो है ही नहीं है। जैसे मान लो कि अपन यहाँ से 2 किलोमीटर गए और 5 किलोमीटर वापस आ गए उसी डायरेक्शन में, ठीक है, तो वहाँ पे अपन माइनस में 3 किलोमीटर चले गए, ठीक है। तो इसको कैसे दर्शाया जाएगा, तो वहाँ पे दिक्कत होने लगी। उसके बाद में फिर माइनस के नंबर्स आए, तो माइनस वाले नंबर्स की बात करेंगे अपन, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं अपन इंटीजर्स। क्या बोलते हैं भाई, ठीक है, इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक, हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक मीन्स माइनस से चलेंगे डॉट डॉट डॉट
माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यदि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर आते हैं कंप्लीटली, वो होते हैं आपके इंटीजर्स। क्या होते हैं वो? इंटीजर्स। समझ में आ गया? सबसे पहले देखो, नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होगी और आगे तक चलेगी। इसमें जीरो और डाल देंगे अपन तो ये बन जाएंगी आपकी क्या? पूर्ण संख्याएं। क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्याएं। यहां पे बात करें अपन पूर्णांक की, तो इसमें पूर्ण संख्याओं में अगर माइनस की ओर डाल दे अपन, माइनस के नंबर्स और डाल दे, माइनस की संख्याएं अगर इसमें डाल दे तो ये बन जाएंगे पूर्णांक। क्या बन जाएंगे? पूर्णांक। अब पूर्णांक से जीरो है, जीरो के इधर वाली जो संख्याएं हैं वो माइनस में है, सारी की सारी किस में है? माइनस में। तो इनको बोलेंगे अपन नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे इनको? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे भाई? ऋणात्मक पूर्णांक। नेगेटिव क्या बोलेंगे भाई? नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। समझ में आ गया सबको? नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है? हाँ भाई, समझ में आ गया सबको? इसको आप इधर वाली जो संख्याएं हैं वो सारी किसमें? प्लस में। किसमें है? इन्हें बोलेंगे अपन धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे भाई? धनात्मक पूर्णांक। समझ में आ गया? इनको पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ जाना आप लोग, ठीक है। और जीरो बीच में है तो बीच में रह जाएगा। इसका मतलब है कि जो माइनस में आ गए वो नेगेटिव इंटीजर्स, जो प्लस में आ गए वो पॉजिटिव इंटीजर्स, और कुल मिला के सारे इंटीजर्स, सारे मिला के क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। समझ में आ गया होगा यहाँ तक का, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि ये जो अपोन वाली संख्याएं हैं उनको दर्शाने के लिए, उनको शो करने के लिए आप रेशनल नंबर, क्या है? रेशनल नंबर। तो फोर्थ जो आता है आप लोगों के, ठीक है, फोर्थ जो आता है वो आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, व्हाट इज रेशनल नंबर? हिंदी में बोलेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं बहुत काम की चीज है, पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका वो इसी पे चलेगा, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, बस यही इस चैप्टर का पूरा फंडा है। ये तो आपको नाइन्थ में भी पढ़ाया गया था, बेसिक था, ये भी पढ़ाया गया था, लेकिन यहाँ पे जो आप पढ़ोगे वो सारे के सारे किसके बारे में पढ़ोगे? परिमेय संख्याओं के बारे में और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो परिमेय संख्या है वो क्या होती है, ठीक है, यहाँ पे अपन लिखना चाहेंगे, ठीक है। जिन संख्याओं को, जिन जिन संख्याओं को p अपॉन q की या p अपॉन q के रूप में लिखा जा सके, वो क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, रेशनल नंबर, क्या? रेशनल या परिमेय लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। परिमेय संख्या जो होगी वो p अपॉन q के रूप में होगी, ठीक है, वेयर p और q जो होंगे वो पूर्णांक होंगे भाई। क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, ठीक है, और q जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? ये नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो नोट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि जीरो का आप किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, डिवाइड नहीं जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइन। जीरो का कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया है इसने क्या कि पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर्स है, यानी कि ये वाले माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्या कंडीशन दी गई? क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यों जीरो हो गया ना तो काम खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है, समझ में आ गया। अगर कभी भी आपके सामने क्यों का अगर अपॉन में नीचे जीरो आ जाए तो समझ लेना कुछ गड़बड़ हो रही है बच्चा, ठीक है। तो गड़बड़ नहीं करनी है अपने को क्या करना है? सही करना है चीजा। तो यहाँ तक का ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। वापस रिवाइज करवा देता हूँ मैं। पहला देखो, नेचुरल नंबर होता है, एक से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें जीरो और ऐड कर दिया मैंने, पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसमें फिर मैंने माइनस वाले और नंबर ऐड कर दिए तो ये बन जाएगा आपके पूर्णांक, ठीक है। और फिर p बाई क्यू के रूप में जो भी आ गए
ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। वो अपन अगले एक बार आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और साथ के साथ नोट्स बनाना भैया ना। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों का, ठीक है। अब अपन बात करेंगे, अगला जो टॉपिक है वो है अपना अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, पी बाई क्यू के फॉर्म में जो लिखी जा सकती है वो परिमेय संख्याएं होती है। यहाँ पे अब बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की, ठीक है। तो वे संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें बोलेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। मैं एक बार इंग्लिश मीडियम की बाद में बना दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा ये हिंदी मीडियम वाले कर लेंगे इसको, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के फिर मैं प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में बना दूंगा यहाँ पे, तो आपको फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी तो आप समझ लो, ये तो कोई नॉर्मल चीज़ है, मैं साथ के साथ थोड़ा सा इसलिए लिख रहा हूँ कि आपका बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है, यानी वो नंबर्स जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में, के रूप में नहीं लिखे जा सकते, नहीं लिखे जा सकते, वो नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं, यानी जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जैसे रूट टू हो गया, रूट थ्री हो गया, रूट फाइव हो गया, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे आगे, रूट सेवन हो गया, रूट इलेवन हो गया, ठीक है, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, प्रॉपर स्क्वायर नहीं निकलता, ये चलते रहते हैं, ठीक है। इनके जो आंसर आएंगे वो डिविजिबल में, डॉट के बाद में जो होता है, डेसिमल के बाद में नंबर चलते रहते हैं, ठीक है। तो अपन इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे अपन पिछले जैसे बात करें अपन की जो पिछला जो अपना परिमेय संख्याएं थी उसमें एग्जाम्पल नहीं लिखे थे मैंने शायद, है ना, कोई बात नहीं, आप लोग लिख लेना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल्स मैं अभी थोड़ा सा बता दूंगा, पहले इसको देखो, ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या होती है, p अपॉन q के फॉर्म में लिखी जा सकती है। अपरिमेय क्या होती है, जो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, p अपॉन q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। जैसे ये रूट टू है, रूट थ्री है, रूट फाइव है, आप सर इनको क्यों नहीं लिख सकते, अगर आपको किसी को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, मैं एक बार थोड़ा डिटेल से समझा दूंगा आप लोगों की क्यों नहीं लिख सकते इनको अपन, ठीक है। उसके बाद में बात करें अपन रियल नंबर्स की, यहां से स्टार्ट होता है अपना चैप्टर, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है बच्चा, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, वास्तविक संख्याओं में अपन पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर के ही क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। रियल नंबर इंक्लूडेड रेशनल और इरेशनल नंबर्स, ठीक है, दोनों के रेशनल और इरेशनल को अगर अपना सम अप कर दे दोनों को, ठीक है, तो उनकी स्टडी की जाएगी आप लोगों के रियल नंबर में, किस में की जाएगी, रियल नंबर में, समझ में आ गया यहाँ तक का फंडा। उसके बाद में एक और यहाँ पे बेस्ट कॉन्सेप्ट आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं जिनको बोलेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या समझ में आ गई, परिमेय प्लस अपरिमेय, इसमें सारी की सारी आ गई, जैसे माइनस थ्री बाई टू आ गया है, रूट टू आ गया, सेवन आ गया, टू आ गया, फाइव आ गया, जो भी आपके लिख सकते हो, माइनस थ्री बाई माइनस टू आ गया, ये सब के सब, यानी इसमें देखो इरेशनल भी आ गई, इरेशनल भी आ गई, ठीक है, इन सबको मिला करके क्या बोलेंगे अपन, रियल नंबर बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं बोलेंगे, समझ में आ गया यहाँ तक का फंडा। उसके बाद ही बात करेंगे अपन अभाज्य संख्याएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य होती है, क्या होती है, अभाज्य कहलाती है या होती है। अरे बोलो आया कि नहीं आया, अभाज्य प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए सबको, ठीक है, विच नंबर्स, ठीक है, विच आर डिविजिबल बाई वन एंड ओनली द नंबर ऑफ इटसेल्फ, जो एक के एक से डिवाइड हो सकती है या खुद से डिवाइड हो सकती है, वो को प्राइम होती है, सॉरी प्राइम होती है, कैसे होती है, प्राइम, समझ में आ गया, क्लियर है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल बताता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे थ्री है, जैसे क्या है एग्जांपल, जैसे टू ले लो, टू
टू में किस किस का डिवाइड जा सकता है, या तो वन का जा सकता है या टू का जा सकता है। इसके अलावा किसी का डिवाइड जा सकता है क्या, चेक करके देख लो आप लोग, नहीं जा सकता। इसका मतलब ये प्राइम है, क्या है ये प्राइम। उसके बाद में बात करूँ, मैं थ्री की बात करूँ, फाइव की बात करूँ, सेवन की बात करूँ, इलेवन की बात करूँ, थर्टीन की बात करूँ, सेवनटीन की बात करूँ, है नाइनटीन की बात करूँ, ऐसे चलते रहेंगे, बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे अपने, समझ में आया। तो सिंपल सा फंडा क्या है, जैसे इनमें से कोई ये थर्टीन ले लो, थर्टीन 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 वन से डिवाइड होता है और थर्टीन से डिवाइड होता है, क्या इसके अलावा किसी से डिवाइड होता है क्या, बताओ देखे फटाफट से डिवाइड करके देख लो आप लोग। अबे नहीं होता भाई, नहीं होता, ठीक है। अब ये डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये क्या है, प्राइम है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में किसी का भी डिवाइड नहीं जाता है, सिर्फ खुद का जाता है और एक का जाता है। एक का तो सब में जाता है, ये तो सबको पता है ना, तो एक का तो सब में जाता है, आप तो ये तो पता होना चाहिए आपको कि एक का डिवाइड तो सब में जाता है, दुनिया में किसी में भी एक का डिवाइड कर दो वही निकल करके आ जाएगा, समझ में आ गया। जैसे फाइव में वन का डिवाइड करते हैं तो फाइव वन जा फाइव वन, ठीक है, समझ में आ गया ना, तो फाइव टाइम चला जाएगा उसमें, सिक्स में देंगे तो सिक्स टाइम चला जाएगा। तो वो बात है, ये यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो टू है ये सम अभाज्य संख्या है, कौन सी संख्या है, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या है, बाकी जितनी भी आएगी वो सारी विषम होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पूछा जाता है कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है कि सम अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, सम अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो वन होती है केवल, कौन सी होती है टू, एक ही होती है टू, कौन सी होती है टू, बाकी सारी कैसी होती है, ओड होती है, इवन केवल टू होता है, समझ में आ गया ना। बार बार नहीं बताऊंगा, एक ही बार बताऊंगा, फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है, ये बेसिक था, क्या था ये, थोड़ा सा नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अपन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इसके बाद में यूक्लिड प्रमेय आएगी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आएगा, ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को आसानी से समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इतना आपके समझ में आया कि नहीं आया, और ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपको कुछ डाउट्स हैं आपको कि सर ये हम इसको अप्रिमेय क्यों बोलते हैं, तो अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग बता देना, मैं एक बार एक वीडियो और बना दूंगा तो उसमें थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बाकी मैथ्स आसान है, थोड़ा सा अगर आप लोग प्रैक्टिस में रखोगे मैथ्स को तो बहुत आसान है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, ठीक है।